सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो। ठीक है, चलो सभी बच्चे पहले तो ना चैट सेक्शन में मुझे बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए यस और नो। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम चैप्टर वन पढ़ रहे हैं बेटा, नंबर सिस्टम। इसमें हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं, है ना। चलो थोड़ा सा पहले हम एक रूल की बात देख लेते हैं। वैसे मेरी क्लास में बच्चे इंटेलिजेंट है, सभी को पता है रूल्स, बट एक आधा बच्चा नया ज्वाइन हुआ हो तो रूल देख लेते हैं। बेटा कैमरा ऑन नहीं करना है किसी को भी, है ना, माइक ऑन नहीं करना है किसी को भी। और जब भी मैं कहती हूँ अगर कुछ समझ आया है तो यस करिए, नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए। कहाँ करना है, तीन डॉट पे जाओगे, ये आपकी विंडो खुल के आ जाएगी, ये बॉक्स आ जाएगा, इसमें इन कॉल मैसेज, इसमें जाके आप लोग मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, या मैंने जो समझाया है उसे रिपीट करना है वो भी बोल सकते हो। अपने डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। कुछ बड़ा डाउट है बेटा, नहीं लग रहा है कि लिख के बता सकते हो तो अनम्यूट करके पूछो, लेकिन डाउट जरूर पूछने हैं। अगर मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना है तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, ए बी सी डी में से जो भी आंसर सही लगता है आपको तीन डॉट दपे जाना है। अगेन बॉक्स ये खुल के आएगा, इसमें आप एक्टिविटी में जाओगे, इस एक्टिविटी से आप पोल्स में पहुंच जाओगे, यहाँ पर से आप इस वाले बॉक्स में पहुंच जाओगे। ठीक है, ए बी सी डी में से जो भी आंसर ठीक लगता है उसे दबाइए और वोट जरूर कर दीजिए बेटा। ठीक है, वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर्स हम ये पढ़ रहे थे, ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर में कौन कौन से ऑपरेशन हमने पढ़ लिए थे, हमने एडिशन पढ़ लिया था, है ना, एडिशन हमने पढ़ लिया था, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था, है ना। अब हमें क्या पढ़ना था बच्चे, हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना, डिवीजन, यस। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चे इस पे नेचुरल नंबर और होल नंबर पे। ठीक है, कुछ टाइम इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर्स पर। मैम सब्ट्रैक्शन दोबारा बताना। क्या बेटा? ठीक है, तो अभी तक बेटा हमने कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही बताया चैप्टर वन पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, हमने एडिशन पढ़ लिया है और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, सभी बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, राइट, सभी बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। चलिए, फिर मुझे एक बच्चे ने बोला मैम फोर डिजिट का भी एक पूछ लो, तो चलो बता दो मैं एक फोर डिजिट की नंबर लिख रही हूँ, आप इनको ऐड करके मुझे बता दो क्या रिजल्ट आएगा, चैट सेक्शन में बताना। और सभी बच्चे कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे बेटा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे। चलिए बता दीजिए क्या आएगा, देखते हैं कितनों को पता है। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। देखो बेटा हमारा रूल क्या है क्लास का, सही गलत हम बाद में देखते हैं, क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, है ना, क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, आंसर सभी बच्चे देंगे। ठीक है, चार और एक पांच, ठीक है, छह और तीन नौ, पांच और पांच दस, दस का जीरो, हासिल लगा एक, है ना, कैरी ऊपर चला जाएगा, और चार और दो छह और एक सात, यस। जितने भी बच्चों ने बताया है वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। चलिए अब प्रीवियस सेक्शन का ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे इसका, पोल में। ठीक है, कहाँ आंसर करेंगे, पोल में। चलिए, हाउ मच स्मॉलर इज 236 देन 564। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो 236 है वो 564 से कितना छोटा है। ठीक है बच्चे, पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे, कितना छोटा है।
एक लेते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए दीजिए आंसर। है ना, 560 ना, 4 236 से कितना बड़ा है, मतलब या फिर 236 जो है 5564 से कितना छोटा है। चलिए कर दीजिए जल्दी, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे बेटा ध्यान से कीजिए, आपको 564 में से 236 माइनस करना है, सिंपल कर दीजिए, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी, बहुत बढ़िया, आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। बेटा सिंपल क्वेश्चन था, हाउ मच स्मॉलर इज 236 देन 564, 564 से 236 कितना बड़ा है, या 236 जो है 564 से कितना छोटा है, है ना। तो 564 में से 236 आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। चलिए करिए जल्दी, सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में कीजिए, उसके बाद कहाँ करना है, पोल में कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है अभी मेरे पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सही गलत हम बाद में देखते हैं, हमारी क्लास का रूल क्या है, सभी आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बेटा सिंपल था, आपको ये बताना था 564 में से 236 जो है वो घटा देते तो हमें पता लग जाता कि हाउ मच स्मॉलर इज 236 देन 564, है ना। तो 4 में से 6 तो जा नहीं सकता, 4 में से 6 नहीं जा सकता, हम क्या करेंगे, इससे एक बोरो ले लेंगे, यहाँ 14 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3, 5 में से 2 गया 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, डी वाला, कौन सा ऑप्शन सही है, डी, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। दो तीन बच्चों ने गलत भी किया था, तो बेटा ध्यान रखो, क्वेश्चन को पहले कॉपी में करो, ऑप्शन को देखो, फिर पोल में जाके आंसर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। अब सोचो, अब सोचो मेरे पास क्या है, फ्लावर बेड्स है, ठीक है। फ्लावर बेड्स क्या होते हैं, जहां पर फ्लावर लगाए जाते हैं ना, वो जगह, ठीक है। मेरे पास 3 फ्लावर बेड्स है और उसमें हर के अंदर, हर मतलब हर एक फ्लावर बेड के अंदर 5 5 फ्लावर है, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल हाउ मेनी फ्लावर आर इन द टोटल, मतलब कुल कितने फ्लावर है यहाँ पर, कुल कितने फ्लावर है। सभी बच्चे देंगे आंसर, सभी बच्चे। तो आपने क्या किया, आपने हर एक फ्लावर पैड में से, बेड में से सबके 5 5 को ऐड कर दिया, है ना।
तो आपने मुझे बता दिया मैम 15 हुआ। मैं कह रही हूँ कि मैं तीन मेरे पास फ्लावर बेड थे, मैंने उनमें हर एक फ्लावर बेड में 5 फूल है, तो मैंने 5 को 3 से गुना कर दिया, तब भी मुझे 15 मिल गया, है ना, तब भी मुझे क्या मिला, 15 मिल गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐड करके भी कर सकती हूँ, है ना, हर एक फ्लावर बेड के अंदर 5-5 है, उनको ऐड कर दिया तो 15 आ गया नंबर ऑफ फ्लावर्स। और मैं क्या कर सकती हूँ, नंबर ऑफ फ्लावर्स के लिए 3x5 कर सकती हूँ, है ना, 3 क्या है नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स और 5 क्या है नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच बेड, हर एक बेड के अंदर कितने फ्लावर है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर मुझे आप क्या बता सकते हो कि आप सपोज करो इफ द नंबर ऑफ बेड इज इंक्रीज टू 7, मतलब जो आपके फ्लावर बेड्स है ना वो आपने 7 बना दिए, 7 कर दिए, ठीक है, और हर एक में 5-5 अगेन फूल फ्लावर है, तो नंबर ऑफ फ्लावर कितने हो जाएंगे टोटल, बता दो जरा चैट सेक्शन में, बता दो जरा चैट सेक्शन में कितने हो जाएंगे, सभी बच्चे देंगे बेटा, सभी बच्चे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, सभी बच्चे, यस बिल्कुल सही, कितने हो जाएंगे 35 कैसे हुए बच्चे, देखो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर क्या है, नंबर ऑफ बेड्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच बेड, कितने बेड है 7 बढ़ा दिए, हर बेड में कितने फ्लावर है 5, तो 7 × 5 = 35, तो नंबर ऑफ फ्लावर इन अ बेड इन अ 7 बेड इज 35, कितना हुआ 35, क्या ये बात सभी को समझ आई है, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, आ गई है तो यस लिख देना बेटा, नहीं आई है तो नो लिख देना, ठीक है, सभी को समझ आ गया है, ठीक है बच्चे। तो बेटा देखो लेकिन एक इसमें एक बात है, इसमें क्या बात है, देखो अगर मेरे पास नंबर ऑफ फ्लावर बेड जितने हैं और हर फ्लावर बेड में सेम नंबर है ना, सेम नंबर है बेटा कि मतलब 5-5 है, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, है ना, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास बेड है 3, ठीक है, एक में 3 फ्लावर है, एक में 5 फ्लावर है, एक में 7 फ्लावर है, ठीक है, तो अगर मैं अब पूछूं कितने नंबर ऑफ फ्लावर होंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर कितने होंगे बता दो, यस 15 होंगे। क्या आप यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो, क्या यहाँ पर आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो, नहीं, यहाँ पर बस आप ऐड करके बता सकते हो, है ना, ऐड करके बता सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है बेटा कि जब नंबर ऑफ फ्लावर इन द सेम इन ईच ऑफ द बेड, अगर हर बेड के अंदर नंबर ऑफ फ्लावर एक जैसे होंगे तभी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच बेड इज नॉट सेम देन वी वुड यूज सम, अगर हमारे पास अलग अलग है नंबर तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एडिशन ओनली, ठीक है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, मेरे पास ना 3 बकेट ऐसे, ठीक है, हर बकेट के अंदर 7-7 बॉल्स हैं, कितनी है 7-7 बॉल है, ठीक है, मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी बेटा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी बता दो जरा, यस मैंने क्या किया, नंबर ऑफ बकेट थी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 21 बॉल्स आ गया। अब मान लो बेटा एक में मैंने बॉल रखी 6, ठीक है, एक में 5 है, एक में 6 है, ठीक है, एक में 5 है, एक में 6 है, ठीक है, और एक में आपकी 7 है, क्या मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगी अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉल चाहिए तो, नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि हर बकेट के अंदर अलग अलग बॉल है ना, तो हम क्या करेंगे ऐड का यूज करेंगे, ठीक है बेटा, क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, कितने आएगा ऐड करके बता दो जरा, कितना आएगा
18, yes, 18. तो बेटा जो ये दो बात मैंने आपको बताई है ना, ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है. अगर नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ फ्लावर्स बेड के अंदर बराबर है हर बेड के अंदर, वो ही आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. ठीक है, क्या मेरी बातें सभी को समझ आ गई है? अगर आ गई है तो जरा चैट सेक्शन में यस लिख दो, और नहीं आई है तो नो लिख दो जल्दी से. बच्चे, सभी बच्चे, हाँ, सभी का आंसर मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा पढ़ाना आपके लिए. ठीक है, ठीक है, चलो फिर. राजवीर की आईडी से जो बच्चा है, बेटा जरा अनम्यूट करना, क्या प्रॉब्लम हो गई, नहीं समझ आया क्या? राजवीर की आईडी से जो बच्चा है, हाँ बेटा, नहीं समझ आया क्या? नो मैम, वो लेफ्ट हो गए थे. क्या नहीं समझ आया बेटा, मुझे बताओ. ये मैम आपने जो समझाया था मैम, बेटा मैंने सिर्फ ये बात बोला कि देखो, जब भी हमारे पास, देखो इसमें क्या है, ये फ्लावर बेड्स हैं, ठीक है, तीन फ्लावर बेड है, इसके अंदर फाइव फाइव फ्लावर है. ठीक है, तो मैंने पूछा कितने नंबर ऑफ फ्लावर है, आपने क्या किया, तीनों को ऐड करके बता दिया मैम, 15 फ्लावर है ना टोटल नंबर ऑफ फ्लावर. या मैंने कहा कि आपके पास तीन फ्लावर बेड है जिनमें फ्लावर लगे, और पांच में हर एक फ्लावर बेड में पांच फूल है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, पर मैं तभी कर सकती हूँ बेटा जब हर फ्लावर बेड के अंदर सेम फ्लावर है. अगर अलग अलग हो ना, मान लो एक में पांच, एक में तीन है, एक में चार है, तो क्या आप मल्टीप्लाई कर पाओगे? नहीं, तब आपको जोड़ करके ही बताना पड़ेगा. तो ये वाला कॉन्सेप्ट हर चीज में यूज होगा, जैसे मैंने अभी बाल्टी वाले, बकेट वाले में बताया ना, वैसे. समझ आया? यस मैम. गुड, चलिए फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं सभी बच्चों से, देखते हैं कितनों का आंसर सही होता है. चलिए, वन डाउट. अरे एक मिनट बच्चे, हाँ एक मिनट, स्क्रीन चली गई होगी, एक मिनट दीजिए. हाँ बच्चे, इतने बता दीजिए क्या डाउट था आपका, बोलो बेटा डाउट बोलो, इतने मैं स्क्रीन ऑन कर रही हूँ. मैम मान लो हरा, उसमें अलग अलग वो होंगे क्या मैम, अलग अलग संख्या वाले मैम, किसी में फाइव, किसी में सिक्स, किसी में, तो मैम उनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकती? बेटा मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अगर आप मल्टीप्लाई, एक मिनट, आप क्वेश्चन पे आती हूँ, मेरी स्क्रीन बर हो जाए. यस, देखो बेटा आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कब कर रहे हो, आपने बोला तीन तो आपके पास फ्लावर बेड है, और हर एक बेड, फ्लावर बेड के अंदर कितने कितने फूल है, पांच है, तो मैंने पांच को तीन बार जोड़ू या पांच को तीन बार तीन से गुना कर दू, एक ही बात होती है, जब हमने बेसिक ऑफ मैथमेटिक पढ़ा था तब भी बताया था मैंने, है ना. लेकिन जब अलग अलग है बेटा, मान लो या चार है या तीन है या दो है, अब तीन आपके पास नंबर ऑफ बेड है, किसको मल्टीप्लाई करोगे मुझे बताओ, किसको मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, एक में तो चार है, एक में तीन है, एक में दो है, कर ही नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे, हर एक का एक एक, एक पहले वाले में चार थे, दूसरे वाले में तीन थे, दूसरे वाले में दो थे, उनको जोड़ देंगे. समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा? क्लियर हुआ बेटा डाउट या नहीं? यस मैम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं. क्या हो रहा है, फिर स्क्रीन चली गई, एक मिनट. चलो अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को क्या करना है, पोल में, देखते हैं कितने बच्चे को सही आंसर करते हैं. चलिए कर दीजिए, कर दीजिए, आप लोगों को तो वेरी सिंपल क्वेश्चन होगा, कर दीजिए. सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका, जितने बच्चे हमारी क्लास में, हर एक बच्चे का आंसर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. मैम ये फर्स्ट सेकंड वाला सवाल है मैम. हाँ बेटा, फर्स्ट सेकंड वाला ही करा रही हूँ मैं, मुझे भी तो पता लगे, फर्स्ट सेकंड वाला करके भी तो आप लोग गलत कर रहे हो बहुत बच्चे. अरे तो सही हो रहा है मैम.
बेटा आपका और भी तो बच्चे हैं ना, और भी तो बच्चे हैं, पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं हम। चलो धीरे धीरे बेटा लेवल बढ़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो सभी okay. बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी को साथ लेके चलते हैं ना। कुछ कुछ मैं ये नहीं कह रही सबको आता होगा, सबको आता होगा, बहुत अच्छी बात है। तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा ना, आंसर दोगे तो सही आएंगे। तो चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, एक बच्चा बचा जल्दी से कर दो, जो बच्चा एक बच्चा हुआ जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0 पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है। और मैं जैसे मेरे बच्चे ने कहा, मैम ये तो फर्स्ट का क्वेश्चन है, 5 8 40 आपके फर्स्ट के क्वेश्चन के बेटा फर्स्ट का तो है, लेकिन को पता है एक बच्चे ने फिर भी गलत किया है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। नाम बताना। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। अभी 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, सभी को आती है क्या? अगर मैं 58 की मल्टीप्लाई 15 से करती हूँ, बता दो जरा चैट सेक्शन में कितना आएगा, बता दो जरा, जल्दी जल्दी आना चाहिए अब तो आंसर, बहुत इजी कर बेटा प्लीज। मैं सभी से बोल रही हूँ, तमन्ना शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार आंसर लिखो, मैं आपका यही देख रही हूँ बहुत देर से, मैं इग्नोर कर रही थी लेकिन अब नहीं इग्नोर होगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, चलो एक बच्चे से ही पूछ लेते हैं, एक बच्चे से ही पूछते हैं। रॉबिन खन्ना की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो जरा, रॉबिन खन्ना की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। क्या करेंगे बेटा बताओ। मैम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 को 8 से, 5 5 8 40 आएगा, 40 14 तो मैं 40 लिख दूं यहां। नो मैम, 0 0 लिखूं, 4 कहां जाएगा? ऊपर मैम, कैरी हुई, ठीक है कैरी। फिर पापा 25 मैम, 5 5 को 5 से किया 25 आ गया, 25 लिख दूं मैं यहां, 29 लिखो मैम। मैं 29 लिखूं, क्यों? क्योंकि 4 भी ऐड कर दिया, वेरी गुड बेटा। फिर क्या किया? फिर मैम 1 से करो 8 की, 8 फिर 8 मैम, फिर 5 का 5, फिर क्या करें, जोड़ कर फिर प्लस करना, कितना आएगा? 0 0 17 मैम, 17 का 7 हासिल है, कैरी कैरी 1, फिर 8 मैम, 8 आ जाएगा, वेरी गुड। 807 जितने बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हमें कितना मिला, 870। चलो फिर एक और बता दो। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड, म्यूट कर लो। चलो मेरे को एक और आंसर बता दो, 58 की गुना 12 से करूंगी तो कितना आएगा, चैट सेक्शन में कर दो जरा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो सभी बच्चे। बेटा आंसर गलत गलत क्यों कर रहे हो, तो इजी से हैं, आप ही तो बोल रहे थे। तुषार यादव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आंसर गलत क्यों लिखा है? हाँ 290, 2 की गुना जब 8 से करेंगे, 8 दुनी 16 16 का 6 हासिल लगा 1 कैरी 1, 5 की 2 से गुना करेंगे 10 10 और 1 11 ना, किसी भी संख्या से करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। फिर ऐड कर दो 6 9 और 6, 696 आएगा बच्चे, 696 आएगा। फिर 2 3 बच्चों ने आंसर गलत क्यों किया है, तुषार यादव की आईडी से बच्चे ने गलत क्यों लिखा है, और जयप्रकाश प्रजापत की आईडी से बच्चे ने गलत क्यों आंसर लिखा है, बता दो जरा बेटा। नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी, कोई डाउट है क्या, बता दो जरा अनम्यूट करके एक बार। चलो फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, पोल में आंसर करेंगे इसका भी। चलो अच्छा गलती से हो गया था बेटा, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, ओके आपको क्या करना है, 53 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है, देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा। 53 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है, कर दो जरा,
कर दो जरा सभी बच्चे। फिफ्टी थ्री की मल्टीप्लाई 15 से करनी है। वेरी गुड। बेटा ये तो इजी सा है, आप लोग ही बोल रहे थे कॉपी में करो पहले, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। 53 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए, मेरे लिए सबका आंसर इम्पोर्टेंट है। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी भी बच्चे बच्चे हुए बेटा, सभी आंसर करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। कॉपी में कर लो आराम से, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है, एक मिनट में वेट कर रही हूँ, पर करिए सभी बच्चे। गुड वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो। 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, ठीक है, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0, ठीक है, पोल को करते हैं बंद और बेटा चैट को कर देते हैं हम ऑन। बेटा देखो सभी बच्चे करेंगे आंसर, अभी इसमें भी ना एक दो बच्चों ने आंसर गलत किया हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। 53 की मल्टीप्लाई आपको 15 से करनी थी, है ना, तो आप क्या करोगे, पहले 5 की गुना 3 से करोगे, 15 आएगा, 5 लिखोगे, 1 कैरी, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 25 आएगा, 1 ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा 26, ठीक है बच्चे। फिर 1 की करोगे 3 आएगा, 5 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई तो हम किसी भी संख्या से करें तो वही संख्या आती है, राइट, तो 5, 9 और 7, तो कौन सा आंसर सही हुआ, ए। चलो फिर अब एक और हम सुरेंद्र कुमार के आईडी से बार बार मैसेज आ रहे हैं, क्या बच्चे समझी नहीं मैं, एक ही बच्चे से, यस मैम, मैम सुरेंद्र कुमार की आईडी से मैम बार बार मैसेज आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, बच्चे को खुद ही पता लग गया, अभी भी करेंगे तो बच्चे मैं क्या बोलू। अगर अब जिस बच्चे ने चैट के अंदर एक बार से ज्यादा बार लिखा ना बेटा, प्लीज मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, मैं जितना लीनियंट आपके साथ और फ्रेंडली होना चाहती हूँ ना, आप लोग उतना ही जान पूछ के और वो कर रहे हो मैस। अच्छा एक बार बता दो मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या, एक बच्चे को क्लियर नहीं आ रही है, चैट सेक्शन में बता देना मैम, क्लियर आ रही है, चैट सेक्शन में बता दो। यस बेटा प्रीत की आईडी से बच्चे ना जिसको नहीं आ रही है क्लियर, बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना, थोड़ा नेटवर्क वाली प्लेस पे बैठ जाओ। अच्छा क्लियर आ रही है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, वर्ड प्रॉब्लम है बच्चे, कहता है कि माइक हैज 42 कार्ड्स, ठीक है, ईच कार्ड हैज 15 स्टिकर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टिकर विद माइक। क्वेश्चन में हिंदी में भी समझा देती हूँ, कहता है कि एक माइक के पास 42 कार्ड्स है, ठीक है, 42 कार्ड है और हर एक कार्ड के ऊपर ना 15 स्टिकर लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ स्टिकर्स कितने होंगे ये बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स बताने हैं, ठीक है, जैसे हमने फ्लावर पैड वाला किया था वैसा ही है,
माइक के पास 42 कार्ड है और हर कार्ड पे 15 स्टिकर चिपके हुए हैं, आपको नंबर ऑफ स्टिकर्स बताने हैं। पहले कॉपी में करना है सभी बच्चों को, फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर पोल में जाके आंसर करना है। बेटा सभी ध्यान से कीजिए, आंसर गलत मत कीजिए, टाइम ले लो कोई बात नहीं, मैं टाइम दे दूंगी। बच्चा ज्वाइन हुआ क्या, आने लग गई क्या आवाज? तो बच्चा था यस मैम। ओके ओके फाइन बच्चा, फिर गुड गुड गुड। सभी बच्चे करेंगे हाँ, आंसर मेरे लिए सबका इम्पोर्टेंट है, सही गलत कोई बात नहीं। बेटा कभी हम बहुत इजी भी कर रहे होंगे और बहुत कभी हम एकदम से बहुत हाई भी पढ़ रहे होंगे, है ना, मिक्स चलेगा, क्योंकि सभी बच्चों को समझाना है, सभी बच्चों को साथ लेके चलना है। बच्चे सही कीजिए, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। आपके पास 42 कार्ड्स हैं, ठीक है, और हर कार्ड के ऊपर एक कार्ड पे 15 स्टिकर लगे हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टिकर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स बताने हैं। अच्छा, और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है, क्लास में से बीच में से कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा क्लास, टाइम से ज्वाइन करो, टाइम से लेफ्ट करो। सबका नहीं आया है अभी? मैम मैम हमने आंसर कर दिया मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो मैम लीव करके ज्वाइन कर ले एक बार। बेटा वो तो आप कर सकते हो, वो जो बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है ना वो आप कर सकते हो, वो नहीं बोल रही, मुझे पता है बेटा, जो बच्चे कंटिन्यूअसली रहते हैं ना मुझे उनका पता है, जो बच्चे वो बिल्कुल आके एकदम जाते हैं ना 5-7 मिनट में, उनको बोल रही हूँ मैं, आपको नहीं बोल रही, मुझे पता है आप तो बहुत पहले से ज्वाइन हो बेटा। हाँ वो तो कर सकते हो बेटा, आवाज जिसको नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आती है, वो कर सकते हो। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी सबका नहीं आया है, सबका नहीं आया है। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा देखो मैं एक बात बताती हूँ कि आप लोग अगर पोल में आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप मेरे को तो जज ऐसे ही कर सकते हो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप लोग वो बताने वाले, मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं, है ना। तो प्लीज सभी बच्चे पोल में आंसर जरूर किया करो। माइक हैज कार्ड, कितने नंबर ऑफ कार्ड्स है? 42, है ना, और ईच कार्ड, हर कार्ड में कितने स्टिकर है? ईच कार्ड है स्टिकर्स 15। तो टोटल नंबर ऑफ स्टिकर कितने हुए? 0। ठीक है, 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से बेटा, सिंपल, 42 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 5 × 10 = 0, 1 + 20 = 21, ठीक है मैम, 630। प्लीज बेटा प्लीज मत करो प्लीज, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा? 630, ठीक है, तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया था, एक दो बच्चों ने गलत किया हुआ था, तो बच्चे प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके और कॉपी में करके करो तो आपके आंसर सही होंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सही बात है ये, पर कई बार हमें लगता है कि तो इजी है, तो हम अपने कॉन्फिडेंट में ओवर कॉन्फिडेंट होके भी गलत आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे प्लीज कॉपी में पहले करो फिर आंसर करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे ही 3 डिजिट का होता है, चलिए फिर चैट सेक्शन में बता दीजिए। अगर मैं 375 को मल्टीप्लाई करूंगी 160 से, कितना आएगा? कर दीजिए जरा। सुभाष स्वामी की आईडी, शिवानी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो सुभाष। यस मैम। हाँ बेटा, क्या करेंगे बच्चे बता दीजिए? मैम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ वो कैसे करेंगे वही बताना है बेटा।
जीरो को फाइव से करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है बेटा। जीरो को सेवन से करेंगे तो भी जीरो आएगा, ठीक है। जीरो को थ्री से करेंगे तो भी जीरो आएगा, ठीक है। मतलब जीरो को तो किसी से भी करें हमें जीरो ही मिलेगा, राइट? यस मैम। चलो आगे बताओ। सिक्स फाइव जब 30 थ्री ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर सिक्स सेवन जब 42 प्लस 42 और 3 ऐड कर देंगे 45 लिख दूं क्या मैं? तो मैम 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, वेरी गुड। फिर 63 जाएगा। हेलो मैम, मेरे को हाँ, फिर एक मिनट, कोई बच्चा कुछ कह रहा था मैम, रकम गलत है मैम ये नंबर। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं फिर उस पे जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा। हाँ मैम, प्लस फोर, प्लस फोर, प्लस फोर, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, कितना होगा? 22, ठीक है। फिर आगे क्या होगा? फिर वन की करेंगे फाइव से, फाइव, फाइव, हाँ। फिर वन सेवन से करेंगे तो सेवन, सेवन, थ्री, फिर ऐड कर देंगे कितना आएगा? एंड वन की थ्री से करेंगे तो थ्री, जीरो, ठीक है, ठीक है, जीरो, वन, जीरो, वन, कितना आया ये? सिक्स। तो यहाँ से आंसर हमारे पास 6000 आएगा मैम। यस, ठीक है, हमारे पास ये आया आंसर, 6000 है बेटा, 60000 हुआ ये, 60000 आएगा मैम, 60,000। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, ठीक है। हाँ बच्चे, हाँ ये वाला डिवीजन जो है वो डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है, ये मैंने दूसरी दी थी आपको, ठीक है, गलत नहीं दिया था, अलग से दिया था, ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो, जो मैंने ये बताया, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, बता दो जरा इसका क्या आंसर है, काफी बच्चों ने इसका आंसर भी बिल्कुल सही दिया है। हाँ, बाकी बच्चों ने उसी वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था, अब इसका भी बता दो, इसका भी बता दो कितना आएगा चैट सेक्शन में। सेम वही 0 0 0 है ना, फिर 6 की करेंगे 6 7 42 42 का 2 4 ऊपर 6 5 30 है ना, 30 और 4 34 4 हासिल लगा 3, फिर अगेन यही 6 3 18 18 और 3 21 राइट। फिर हम 1 गुना 7 से करेंगे, तो किसी भी संख्या की गुना 1 से की जाए तो वही संख्या आती है, उसके बाद जोड़ देंगे, ठीक है बच्चे। तो आपको कितना मिल गया, कितना मिल गया आपको? 5 7 1 2 0 यस, बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही किया, जितने बच्चे कर रहे हैं हमारे, यस। और पहले वाले का आंसर था 60,000, ठीक है, पहले वाले का आंसर था 60,000। क्या तीन इसमें कोई प्रॉब्लम होती है क्या किसी बच्चे को? 3 डिजिट में मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम है क्या? अगर सभी को आता है तो यस लिखना, अदरवाइज नो लिख देना। कोई भी ऐसा बच्चा हमारा? ओके, वेरी गुड। चलिए फिर एक चीज मैं आपको फिर बताती हूँ, ठीक है, याद है हमने जब ठीक है, याद है जब हमने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, हमने पढ़ा था कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल या होल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी होल नंबर या नेचुरल नंबर आता है। फिर हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन में कि अगर हम 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर या होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आए वो होल नंबर या फिर होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर हो, ये हमने पढ़ा था, याद है या नहीं? अब हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही प्रोडक्ट का बेटा, कि अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर को, 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही होल नंबर और नेचुरल नंबर होगा। कैसे? देखो, 2 की गुना 2 की मल्टीप्लाई 0 से की, 0 आएगा, ठीक है, और आपने 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो भी आपका 10 आएगा। बोथ आर नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, है ना, ये आपका नेचुरल नंबर भी है एंड होल नंबर है, ठीक है। तो मुझे यही बताना था कि याद है पहले वाले दो भी और ये भी, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं सभी बच्चों से, पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका भी क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, आपको क्या करना है, 513 की गुना 136 से करनी है,
513 की गुना 136 से करनी है। कर दो जरा सभी बच्चे। मीनवाइल एक बच्चा था ना, क्या नाम था, एक मिनट, बाकी सभी बच्चे चैट अपना आंसर करेंगे। हाँ बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ लक्ष्य धैया की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप इतनी लेट ज्वाइन क्यों हुए हो? मैम बाहर आ रखे थे। अच्छा पिछली वाली क्लास में भी आप लेट ज्वाइन हुए थे आप, या उससे पिछली वाली में थे, एक में और थे आप, है ना? नो मैम, पहले तो 8:30 बजे ही होते थे मैम ज्वाइन। वो तो मुझे याद है बेटा, होते थे। अभी आज वाली और एक और क्लास में आप लेट हुए थे ना, तो मैंने पहले पहले वाली पहली क्लास में बोला था ना। यस मैम, उसमें 9:45 बजे के करीब। हाँ जी याद है। और अभी एक बच्चा और ज्वाइन है, कोई बात नहीं बेटा, अगर बट कोशिश क्या करो, कोई जेन्युइन रीजन है तो कोई बात नहीं, पर कोशिश क्या करो कि टाइम से ज्वाइन हो। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ, ठीक है? एक बच्चा और अभी ज्वाइन हुआ है, एक बच्चा और अभी ज्वाइन हुआ है। बेटा मेरे पास ना हर 5 मिनट की आती है, जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे, मैं आपको नहीं बोल रही, लक्की दैया की आईडी से बच्चा है, ये बच्चा तो ज्वाइन करता है, टाइम से ज्वाइन करता है इवन। कुछ पर्टिकुलर रीजन होता है, मैं इसलिए भी पूछ लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा कंप्लेंट के लिए पूछती हूँ। बेटा हर 5 मिनट में आप लोगों की अटेंडेंस होती है, तो ये सबके लिए है। और वैसे भी बच्चे अटेंडेंस के लिए तो क्लास में आओ ही मत, क्लास के अंदर कुछ नया सीखने के लिए आओ, है ना? सह सीख के जाओगे, नहीं तो अपने आप कॉन्फिडेंट बढ़ा के जाओगे, आंसर सही करके जाओगे तो, है ना? चलो सबका नहीं आया बेटा, सबका नहीं आया है, सबका नहीं आया है, अभी सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड बेटा, सिंपल है, 513 को मल्टीप्लाई करना है 136, 136 से। इजी करा रही हूँ मैं तो, अभी भी आंसर नहीं कर रहे हो आप, जल्दी जल्दी करो। अच्छा बच्चे, कभी ऐसा लगता है ना आप लोगों को कि टाइम चाहिए और ज्यादा, मुझे बोल दिया करो कि मैम दो मिनट एक मिनट और रुक जाओ, हम कर रहे हैं, तो मैं रुक जाऊंगी, ठीक है? गुड, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे करेंगे, जो बच्चे बच्चे हुए हैं वो भी करिए, वो भी जल्दी से कर दीजिए। वेरी गुड, आने लगे हैं। चलो 5 सेकंड और दे देती हूँ मैं, 5 सेकंड और दे देती हूँ बेटा। 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है? कॉल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 513 और 136, ठीक है? इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 जब 6 की 3 से करेंगे, 6 * 3 = 18, है ना? 6 * 18 18 का 8 या 1 हासिल, 6 * 6 = 7, ठीक है? फिर हमने 6 को 5 से किया तो 6 * 5 = 30 आ गया जी। गुना का निशान, फिर 3 * 3 = 9, 3 की गुना 1 से करी 3, 3 * 5 = 15, ठीक है? फिर हमने 2 गुना के निशान लगाए, फिर 1 की गुना तो किसी भी संख्या से की जाए, वही संख्या आती है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आप गलत लिख दे मैम, 5 * 1 = 13 है बेटा। अब कहाँ गलत लिखा, 513 तो है मैं, 513 नहीं, आपने 153 लिखा, लास्ट लाइन देखो, आपने 513 लिखना था आपने। राइट 513 आएगा मैम, थर्ड लाइन, ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ से 7 और 9 यस मैम, 513 आएगा, 60। अब तो बेटा ठीक है, अब कहाँ गड़बड़ है, 3 * 3 = 9, 3 और 15, ठीक तो है अब? अब तो ठीक है, 16। हाँ ठीक है, हाँ। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 7 और 9
कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6, 6 यहाँ एक हासिल, ठीक है, 6 6 तीन और तीन 6 और एक 7, ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा 9 और यहाँ से 6, है ना। तो हमारा आंसर आया 6 9 7 6 8। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू बच्चे, अच्छी बात है कि आप इतना ध्यान से देखते हो कि मैम ने कहाँ गलत की है, मैम भी गलत हो सकती है, ये बहुत बढ़िया बात है, और बताना है कॉन्फिडेंट से, वेरी गुड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं। सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, अगेन पोल में, ठीक है, कहाँ आंसर करेंगे, पोल में कर दीजिए जरा। चलिए आपको क्या करना है, आपको 31 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 31 की गुना 1000 से करनी है। अभी अगर आपको याद हो ना बच्चे, आप लोगों को जब हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा था वहां पर मैंने ये सिखाया भी था, शॉर्टकट में करना हमने सीखा भी था। चलिए कर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। मेरा हो गया मैम। हाँ, जिनका हो गया बेटा मेरे पास नाम के साथ आ जाता है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, हर एक बच्चे का। ओके मैम, आप होमवर्क नहीं देते। देते हूँ बेटा, होमवर्क तो दे रहे हैं हम, वर्कशीट में से होमवर्क मैं रोल देती हूँ और आपको ग्रुप पे भी शेयर करती हूँ होमवर्क। यस मैम, होमवर्क तो रेगुलर देती हूँ मैं, ऐसी बात कर दिया, होमवर्क नहीं देती मैं बेटा, आप नहीं करते हो। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, 5 सेकंड और, 5 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और क्या करते हैं, चैट को ऑन कर देते हैं, ठीक है। चलो बता दो जरा, मैं होमवर्क देती हूँ या नहीं, यस और नो, यस और नो, यस देती हूँ बेटा, यस मैम, ठीक है। देखो आपको क्या करना होता है, याद हो अगर हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई भी डिजिट होती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 31 की मल्टीप्लाई 1 से करूं कितना मिलेगा, 31 ही मिलेगा, क्योंकि हमने किसी भी संख्या की गुना अगर हम 1 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही संख्या मिलती है। बाकी जितने जीरो होते हैं हम वो जीरो लगा देते हैं, सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो फिर एक और मुझे बता दो बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में, अगर मेरे पास 402 है, मुझे इसे गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 से, बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्या करेंगे हम, पहले हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 402 को 3 से गुना कर देंगे। तो मैं जब 402 को 3 से करूंगी तो क्या आएगा, 402 को 3 से कर दो, 3 × 6 और 0 और 12, है ना, तो 1200 आ गया। अब जितनी जीरो हैं बेटा उतने जीरो लगा दो पीछे, सिंपल सिंपल, है ना, 2 zeros है, हमने 2 zeros लगा दी, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो यस, चलो फिर एक और बता दो, एक और बता दो, ठीक है। मेरे पास नंबर है ये और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, चैट सेक्शन में बता दो जरा क्या आएगा,
ठीक है, पहले वाले का हाँ सही बताया, पहले वाले का तो आंसर बेटा यही आएगा, बिल्कुल सही था। अब वाले का बताओ कितना आना चाहिए, कितनी जीरोज आनी चाहिए। नहीं, जीरोज लगा रहे हैं बच्चे। छह जीरो आएंगे। यस यस बिल्कुल सही। देखो आप क्या करोगे, पांच की मल्टीप्लाई पहले चार से करोगे, है ना, तो आप मतलब 25 की मल्टीप्लाई चार से करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो आप ये 100 लिख दोगे, उसके बाद बेटा देखो दो जीरो इसके पास है तो इसकी दो जीरो, और दो जीरो इसके पास है तो इसकी दो जीरो, तो टोटल कितनी जीरोज हो गई, छह जीरोज, है ना। यस बिल्कुल सही। एक बच्चे ने विपिन की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने 18,000 क्यों लिखा है? मैम गलती से गलत हो गया था। गलती से गलत हो गया, अच्छा ठीक है बेटा, गलती से गलत हो गया था तो कोई बात नहीं, बट समझ तो आया ना। यस मैम। चल बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सो बच्चे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का ना अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अब देख लेते हैं होमवर्क और डाउट्स, ठीक है, होमवर्क और डाउट्स।